डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अंकिता। और आज है करवा चौथ का दिन, अभी 8 बज रहा है और आज करवा चौथ का दिन है। आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। विश यू वेरी हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और गौरी भी सबको विश कर रही है हैप्पी करवा चौथ। गुड मॉर्निंग गौरी है। मेरा नहाना धोना भी हो गया है, बट जैसे मैं पूजा करने के लिए बढ़ी आगे, वैसे ही गौरी उठ करके बैठ गई। तो अब भी इनके पापा आएंगे, इन्हें थोड़ी देर गोद में लेंगे, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। जब तक गौरी को ये देखिए, गौरी की मस्ती चालू हो गई है। गौरी क्यों उठ गई थी जल्दी से? अभी से उठने का क्या मतलब है? हाँ गंदी लगी। हाँ गौरी मुस्कुरा रही हैं बहुत तेज़ी से। और ये देखिए मैंने मेहंदी लगा ली है अपनी, क्योंकि रात को मैंने नहीं लगाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और एक्चुअली अभी हमारे यहाँ ये रूल होता है कि एक रिचुअल है कि जब तक बच्चे का मुंडन ना हो जाए उसे ग्रीन वाली जो गीली मेहंदी होती है वो टच नहीं करा सकते हैं। सो जब गौरी सो रही थी तब मैंने थोड़ा सा इसको बस ऐसे लगा लिया। अब मैं इसको वापस से धो दूँगी जब मैं गौरी के पास जाऊँगी, उसको गोद में लूँगी। सो फ्रेंड्स, अब गौरी की मालिश का टाइम हो गया, तो मैं यहाँ पर सरसों के तेल जो है उसको फिर से गरम कर रही हूँ। और गरम तेल से मैं गौरी की मालिश करूँगी और उसको सिर पे थोड़ा सा लगाऊँगी, जिससे कि जो उसका ज़ुकाम है और कफ़ की जो इश्यूज़ हैं उसको वो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। सो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ थोड़ा सा पूजा की तैयारी। मैंने यहाँ पर आसन लगा दिया है। अब जो भी सामान मुझे ऐसा लग रहा है ना, थोड़ा सा करवा वगैरह निकाल के रख दिया है, और बाकी पूजा का सामान है, जो कैलेंडर है, जो पूजा करना है, माता रानी का कैलेंडर है, वो मैंने स्टिक कर दिया है वॉल पर, जिससे कि मतलब ज़्यादा हसल ना हो, क्योंकि अभी गौरी सो रही हैं तो ये सब काम मैं जल्दी से कर लेती हूँ, जो भी पूजा का सामान मैं रख। सो फ्रेंड्स, उसके बाद जो साड़ियों की दुकान मैंने खोल के रखी हुई थी, मैं क्या पहनूं, सो फाइनली मैंने सोचा है कि मैं रेड कलर की साड़ी पहनूंगी। और जितना भी फैला हुआ था मैंने सब कुछ साड़ियों को अपने फ़ोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद इसको बस रख दिया है अच्छी तरीके से। सो या सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी साड़ियों का जो सिस्टम था ये मैंने सब समेट दिया है, बहुत सारी साड़ियाँ फैला दी थी मैंने। और मैं सोच रही हूँ कि मैं रेड कलर ही पहनूंगी, क्योंकि जो एक रेड कलर का फील आता है ना फेस्टिवल्स के लिए, वो फील और कोई कलर में उतना अच्छे से आ नहीं रहा है। सो दैट्स व्हाई आई चूज रेड कलर, कि रेड कलर की साड़ी पहनूंगी। एंड सो फ्रेंड्स, अब आ जाती है बारी बैंगल्स की। तो ये देखिए मैंने अपने पूरा बैंगल का जो पिटारा है वो खोल के रखा हुआ है, और ये एक सेट मैंने तैयार किया है। सोच रही हूँ इसमें और कड़े ऐड करूँ या इतना ही छोड़ दूँ, देखती हूँ क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से डिनर रेडी करने था तो मैंने यहाँ पर छोले बनाया है, छोले की सब्ज़ी बन चुकी है मेरी। प्राइमर हम थोड़ी देर के लिए गैप देंगे। ओके, हेयर स्टाइल के लिए सबसे पहले मैं अपने बालों को हेयर स्टाइल कर लूँगी, और उसके बाद नेक्स्ट का आगे का मेकअप करेंगे। बिकॉज सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं हेयर स्टाइल अपनी बना लूँगी, यानी कि जोड़ा बना लूँगी सिंपल। मैं एक जोड़ा फ्लोरल बन सोच रही हूँ बनाने के लिए। इसके लिए मैंने अपने सिर्फ आगे के बालों को ना क्रम्प कर लिया है, जिससे थोड़ा सा बालों में वॉल्यूम ऐड हो जाए और बालों में हेयर स्टाइल करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसकी वजह से। तो सिर्फ आगे के बालों को आपको क्रम्प करना है, जैसे आप ब्राइडल्स हेयर स्टाइल में देखते होंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मैंने अपने बालों को क्रम्प कर लिया है। अब उसके बाद मैंने सिर्फ सेंटर पार्ट करके बालों को अपने बालों को पीछे ले जा करके बस क्लिप लगा दी है, जिससे कि सामने का इस तरीके से लुक आ जाएगा। और उसके बाद मैंने सिंपल अपने पीछे के जो बचे बाल थे ना, उनको मैंने इस तरीके से जूड़ा बना दिया। मैंने कोई बन या कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है, बस रबर बैंड से बालों को अच्छी तरीके से अपने जूड़े को बांध दिया है। दैट्स इट। अब इसके बाद हम इसमें गजरा लगा लेंगे।
सो फ्रेंड्स, इसके बाद मेकअप की बात करें तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है ये लैक्मे की लूमी क्रीम, और इससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है फाउंडेशन के साथ अगर आप इसको लगा रहे हो तो। इसके बाद फाउंडेशन मैंने यहाँ पर के ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ किया है। अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसीलर की तरफ। थोड़ा सा अंडर आइज़ पे या फिर जो भी आपको जहाँ पर डिस्कलरेशन है वहाँ पर आप कंसीलर यूज़ कीजिए। मैं एल्फ का कंसीलर यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लेंड 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 करते जाना है। उसके बाद हम करेंगे कॉन्टोर, थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करेंगे अपने थोड़ा सा फेस को थोड़ा सा पतला दिखाने के लिए। इसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपनी आईलिड्स पर अच्छी तरीके से कंसीलर अप्लाई करेंगे और अपने मेकअप को लूज़ पाउडर की हेल्प से सेट कर लेंगे। आईब्रोज फिल करना बेहद ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर एक जेल आईलाइनर की हेल्प से आईब्रोज को फिल कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक डार्क ब्राउन पेंसिल और इसको मैंने अपने हाफ आईलिड पर लगाया है, और क्योंकि आज मैं एक सॉफ्ट स्मोकी ब्राउन स्मोकी आई क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज गाइस रेड कलर के साथ ना बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला आई मेकअप। सो और इतना ज़्यादा टाइम नहीं था फ्रेंड्स, सही बात बताऊँ फास्ट की वजह से ना उतना ज़्यादा तबीयत साथ नहीं दे रही थी, सो बहुत ज़्यादा हैवी कुछ दिमाग में आया ही नहीं। सो ये वाला लुक बहुत ही अच्छा है और हर किसी आउटफिट के साथ चला जाता है, तो ये आपको अपने हाथों से ही फिंगर से मैंने स्मच कर लिया है और दैट्स इट। और उसके अलावा और आपको कोई आई शेडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पर काजल अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नीचे वाटर लाइन के नीचे अपने ये ब्राउन पेंसिल लगा दी है और एक शार्प पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको मैंने हल्का सा स्मच कर दिया है। इसके बाद आपको आईलैश कर्ल कर लेना है और अप्लाई करेंगे मस्कारा। और आईलैश कर्लर अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर उसको आप मस्ट हैव में काउंट करिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगता है अगर आप फॉल्स आईलैशेस के ज़्यादा फ़ैन नहीं है मेरी तरह तो। इसके बाद थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग, हाइलाइटिंग और ऑफकोर्स ब्लश अप्लाई तो करेंगे ही, फेस्टिव मेकअप है भाई। इसके बाद थोड़ा सा हाइलाइटर से अपने को सेट कर लिया और ये मेरा फाइनल लुक है विथ ज्वेलरी एंड ऑल, और ये मैं पूरी तरीके से सज गई हूँ आज की पूजा के लिए। सो अब देख रहे हैं मैंने जितने गहने थे सारे पहन लिए हैं अपने। मैं रेडी हो गई हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी वगैरह सब पहन ली है और मैं तैयार हो गई हूँ, बैंगल्स पहन ली है एंड अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। सो यहाँ पूजा के पहले ये मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया है बिकॉज़ मुझे मेरी साड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सो ये मेरा फाइनल लुक है, आपको मैंने पहले बता दिया है, और अब हम पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले घर की पूजा करूँगी अपनी, और मैंने यहाँ पर करवा चौथ माता की पूजा की है, अपना जो भी पूजा वाला रिचुअल था यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उसके बाद हमें टेरेस पे जाना था। मेरी सारी फ्रेंड्स हम सब इकट्ठे होकर वहाँ पर चांद की पूजा करेंगे और वहाँ पे हमने सारा प्लान बनाया था। सो आपको भी वो मैं सारी क्लिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, सो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो उसके बाद पूजा करने के बाद हम पहुँच गए टेरेस पे, और ये देखिए बहुत सारे हमारी फ्रेंड्स यहाँ पर आई थी और सभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी फ्रेंड्स, सभी ने बिल्कुल बिल्कुल करवा चौथ वाले मोड पे थे सबके सब। और देखिए यहाँ पर बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी, सभी हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया आज का दिन। सब लोग करवा चौथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, ये देखिए सब एक से एक खूबसूरत लग रही हैं।
और ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं और हम सब यहाँ पर करवा चौथ मना रहे हैं। आप सब भी सेलिब्रेट कीजिए करवा चौथ, और बधाई हो आप सभी लोगों को। और सब अभी पूजा करेंगी और मैं आपको पूरा वीडियो शेयर करूंगी, पूरा वीडियो देखना है। सो करवा चौथ का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कॉमेंट ज़रूर करिएगा। नहीं की तो टीका क्यों लगाए हो फिर? मम्मी, मम्मी ने लगाई। अरे यार मुझे तेरा शुभ चाहिए। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात। चलिए करवा चौथ का ये त्यौहार होता है पूरा, हम सभी ने यहाँ पर पूजा कर ली। कविता आप इधर आओ, सबको बाय बाय बोलो। बाय। सो हमारा करवा चौथ का सेलिब्रेशन हो गया है। आई होप आप सब ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय। सो इस तरह सेलिब्रेट किया फ्रेंड्स हमने अपना करवा चौथ का ये फेस्टिवल, और उसके बाद ऑब्वियसली बिना सेल्फीज़ और बिना पिक्चर्स के किस तरीके से ये फेस्टिवल पूरा हो भाई, लेडीज़ तो फ़ोटोज़ खिंचाएंगी ही। सो फ्रेंड्स चलिए, हमने यहाँ पर ढेर सारा फ़ोटो सेशन किया अपना, बहुत सारी पिक्चर्स ली, सेल्फी ग्रुप, और बहुत मज़ा आया। आई होप आप सब ने इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अगेन।